आज मैं एक बात बोलेंगे कि हमारा रिकॉग्नाइज के लिए और हम WHO UK के डॉक्टर विनोद कुमार को बारी में, लेकिन मैं कोई आदमी को तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ सच बात बताएंगे। देखिए डॉक्टर विनोद कुमार जे पहला आदमी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइज के लिए, वो गुलाम नबी आज़ाद के पास गया था, हेल्थ मिनिस्टर ICMR को पास गया था एवं कटोच जी को साथ उनको बात हुआ था। लेकिन इसी बारी में 2014 में महाराष्ट्र में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस का अरेंज किया था डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अरुण सिंह, और वहाँ से पार्टिसिपेट किया था WHO UK के डॉक्टर मनोज भदौरिया, डॉक्टर संग्राम सिंह और कुछ डॉक्टर था। लेकिन हमारा इंडिया में कुछ डॉक्टर वहाँ से शामिल हुआ था, जो भी वो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर AP मुड़िया भी था। तो 2014 में सब देखा है जे उनको क्या है, उनको पास में क्या होता है, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए वो क्या काम करता है, और पूरा यूरोप कंट्री में वो आज तक 13 कंट्री में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रोग्रेस किया था, और मेडिसिन भी ऊपर में वो बहुत सही मेडिसिन बना करके वो जर्मन एक कंपनी के अंदर वो पार्टनर भी हो गया था। और उनको एक स्टूडेंट था जो बेलो एडम, वो नाइजीरिया में रहते हैं, लेकिन वो मेरा फ्रेंड में है। लेकिन उसको हम जो भी पूछा जे यू नो डॉक्टर विनोद कुमार, तो वो बोलता है ही इज़ माई प्रोफेशन। इसीलिए हमारा WHO का हमारा फेवर हो गया था, और आज तो उनको पास बहुत लिटरेचर है। मैं 2017 को दिल्ली में उनको साथ मिला है, वहाँ डॉक्टर बदरिया भी था, डॉक्टर गंगाधर भी था, डॉक्टर DN कुंडू भी था, डॉक्टर संग्राम सिंह भी था, डॉक्टर विजय था वाराणसी का, ये सब हम लोग 12-13 आदमी उनको साथ मिला है उसी मीटिंग में। लेकिन उनको पास किया है नहीं है, हम सब निज आँखों से देखा। तो हम चाहते हैं हमारा इंडिया में इसी टाइम में जो सिचुएशन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार को साथ हम लोग मिलने के लिए मिल करके जो भी रिकॉग्नाइज हम लोग शामिल कर लेता है, तो क्या हमारा दिक्कत पड़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान से दीजिए, और विनोद कुमार को पास हम लोग सबसे जो भी बोलेंगे जी आप आ जाइए एवं आपको पास क्या है ना है वो बोलिए, तो शायद वो आ सकते हैं। लेकिन आपको पास वो UK से क्यों आते हैं, वो तो एक बार आया था, लेकिन सब कंट्री में सब स्टेट में वो किया था एवं सब मिनिस्टर में वो मिला है, लेकिन कोई आदमी उसी टाइम में वो चले जाएंगे तो उनको साथ ये सब लोग का संपर्क नहीं रखा। अभी जो सिचुएशन है हमारा, ये नेता वो नेता सब एक एक बात बोलेंगे, तो कैसे हमारा ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं देखिए सब लोग मिल करके, और जो इंटरनेशनल लेवल में काम करता है उनको पास जो भी होता है, आप लोग सब उनको बोलिए ये रिकॉग्नाइज के लिए हमारा दिमाग में आया था, उनको भी जरूरत चाहिए एवं उनको भी मदद चाहिए। लेकिन वो हम लोग जो भी सोचेंगे जो आ जाएंगे तो वो हीरो बन जाएगा, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अलग कंट्री से वो जो भी आते हैं वो हमारा इन्वाइटेड मेंबर की था होता है, लेकिन आप लोग ही तो यहाँ से सब काम करेंगे,
लेकिन वो गाइडलाइन आपको देता है देंगे। तो और एक बात, ये मेडिसिन के बाद देखिए, उनको मेडिसिन हम 500 साल से यूज़ किया था, लेकिन हम इंडिया भी कोई मेडिसिन के बदनामी नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया तो मेडिसिन में काम करेंगे, लेकिन 100% रिजल्ट देने के लिए उनका मेडिसिन बहुत अच्छा है। और जो जो बोलता है कि ये मेडिसिन कहाँ बनते हैं, उसको पिक्चर दिखाओ, ये दिखाओ, पहले भीएन कुंडू एक यूट्यूब छोड़ा, उसी पर में सब पिक्चर अब लोग देख लिया। लेकिन कुछ आदमी मैं को पूछा जी, आप लोग ये मेडिसिन लेता है तो इनको पेपर्स, इनको बिल आपको मिलता है? ज़रूर मिलता है। देखिए, उनका जो भी पेपर्स ओके नहीं था तो वो कैसे इंडिया में वो मेडिसिन दे सकते हैं, ये आप बोलिए पहले, बाद में ये सब एनालिसिस कीजिए। नमस्ते, आप लोग आप ही सोचिए।